मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में बीते दो सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही अच्छी बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतर डैमों के गेट भी खोल दिए गए हैं। इस समय प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सीओपुर, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, छतरपुर, पन्ना, मैहर, पंडुन्ना और दतिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित 30 जिलों में गरज चमक और तूफान की चेतावनी भी जारी की है। इस बार प्रदेश में मानसून की एंट्री 21 जून को हुई। अगले एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में मानसून छा गया। डेढ़ महीने में प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 21 इंच बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन औसत 24.7 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। ये 3.7 इंच ज़्यादा है।